एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ। सो यहाँ पे मैं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ और यहाँ पे मैं सब्जी बना रही थी। तो आज दाल चावल कुछ नहीं बनाऊंगी, दाल सब्जी रोटी बस बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कहीं पे थोड़ा सा काम था, मीन्स मकान का काम लगा है, तो मुझे वहाँ पे भी जाना था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले तो जल्दी से रोटी बना लेते हैं, इसके बाद फिर जाएंगे, क्योंकि अगर पूरे खाने में यानी दाल चावल सब्जी रोटी में लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सर्दियों का दिन है तो आप लोगों को पता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। जितनी भी जल्दी उठो, जितनी भी जल्दी काम करो, मैं तो वैसे भी 5 बजे से उठ जाती हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा लेट हो ही जाता है ना, करते करते हो ही जाता है। 2 बच्चों को स्कूल भेजना और उनका टिफ़िन वगैरह पैक करना, सारा कुछ करते करते थोड़ा सा लेट हो जाता है। जैसे कपड़े वगैरह धोए, फिर पतिदेव के लिए खाना बनाया, और मैं ये स्टैंड लेके आई थी तो गंदे से लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा धुल के साफ करके इनको यहाँ पे रख देती हूँ। और बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉइस आ रही होगी, सो उसको इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ में अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो यहाँ पे बस मैं आलू डाल दी हूँ, आलू मटर टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, इनका जल्दी फटाफट बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा इजी खाना होता है तो जल्दी बन जाता है। थोड़ी सी खिचड़ी भी बना दूँगी, क्योंकि बच्चे तो सब्जी रोटी खाने से रहे, तो खिचड़ी भी बना दूँगी साथ में, तो बस सब्जी रोटी और खिचड़ी हो जाएगी हम लोगों का खाना। सो इसके बाद फिर मकान पर चली गई थी, और फ़ोन वहाँ पर लेके नहीं गई थी, मैं भैया को दे के गई थी, क्योंकि आजकल भैया की छुट्टी ना 11:30 बजे हो जा रही है, क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं। तो सीधे मिल रही हूँ शाम को यहाँ, और यहाँ पर मैं अपने कपड़े लेके आ गई थी छत से, तो यहाँ पे फोल्ड करके रख दे रही हूँ, और जो आयरन करने हैं उनके लिए मैंने निकाल लिए हैं, यानी कि भैया के कपड़े और बेटी की ड्रेस, मतलब दोनों की ड्रेस निकाल ली है आयरन करने के लिए, तो इसको जो है आयरन करके रख दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे है वेनसडे, तो वेनसडे पे वाइट ड्रेस पहन के जाते हैं दोनों बच्चे। सो यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े फोल्ड कर दे रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, शाम का काम है, मैंने जो है मॉर्निंग से लेके शाम तक आप लोगों के साथ में वो किया है, मतलब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जैसे कि आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी कि मैं वीडियो शूट करूँ या फिर शेयर करूँ, इसलिए मैं नहीं करती हूँ, यहाँ पर ही अपना जो है सारा कुछ कर लेती हूँ, मीन्स जितना थोड़ा बहुत होता है तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और मैं सोच रही हूँ जल्दी से फटाफट मकान कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप लोगों के साथ में बढ़िया से ब्लॉग शेयर करूँ, है ना, क्योंकि जब घर अच्छा होता है तो वीडियो भी बहुत अच्छे आते हैं, क्लियर आते हैं, जैसे लाइटिंग की जो है व्यवस्था हो जाती है, यहाँ पे लाइटिंग की भी इतनी अरेंजमेंट नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा है, तो थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ना, मीन्स रहती ही है, क्योंकि घर इधर से खुदा बाहर उधर से वो, और यहाँ पे मेन रोड पे रहते हैं तो गाड़ी वाहन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, इसीलिए मैं आजकल थोड़ा सा कम आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी आप वीडियो शूट क्यों नहीं करती हो, वीडियो ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड करती हो, तो इसीलिए मैं ब्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ कि थोड़ा सा नहीं हो पाता है मेरा मीन्स। तो बस यहाँ पे मैं जो है थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर थे वो भी मैं उठाने के लिए चली गई थी, और सारा कुछ कर ले रही हूँ, मतलब जैसे कि पता नहीं क्या लेने गई थी, मुझे याद ही नहीं है। हाँ, मैं जो है बच्चों की ड्रेस फैली हुई थी जो शाम वाली, आज वाली जो पहन के गए थे, उनको साइड में रखने के लिए चली गई थी, और यहाँ पे मैं दोपहर में लेटी थी तो ब्लैंकेट फोल्ड करके रख दी हूँ, देन आ गई हूँ मोजा पहनने के लिए, तो मैंने धुले हुए थे आज और काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने लगी है, तो मैंने कहा चलो मोजे पहन लेते हैं, और बस इसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूँगी, जैसे कि प्रेस करना हो गया, सारा कुछ हो गया। तो मैं ना एक आप लोगों के साथ में बात शेयर करने वाली थी, तो देखती हूँ सोचती हूँ शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, हो सकता है ना भी लगे, तो है ना, इसीलिए तो देखते हैं, अगर हुआ तो फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देंगे, नहीं हुआ तो फिर नहीं करेंगे, है ना। तो बस यहाँ पर मैंने अपने मोजे पहन लिए हैं, और इसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम करूँगी, तो ब्लैक मोजे वाइट पायल कितनी सुंदर लगती है ना, तो आ गई हूँ यहाँ पे प्रेस करने के लिए, और कैमरे को सेट कर ली हूँ ठीक से, क्योंकि बिल्कुल भी ठीक से कैमरा सेट नहीं था। और यहाँ पे बेटी आ गई थी, वो ट्यूशन पढ़ रही थी उस टाइम पे, और कुछ बुक्स वगैरह लेने के लिए आ गई थी, और पता नहीं क्या बड़बड़ करके चली गई, तो पूछ रही थी क्या बड़बड़ कर रही है, तो बस वो चली गई, मुझे हंसी आ गई थी कि पता नहीं क्या बड़बड़ करके चली गई है। और आप लोगों को पता है मैं एक बात और आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली थी, तो इसको तो कर ही कर सकती हूँ शेयर, कि मेरे यहाँ पे एक जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे एक भाभी हैं, उनकी जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी,
मीन्स उनको था कि अच्छे से कुछ नहीं था, दो कमरे थे उसी में टॉयलेट भी नहीं थी उनकी। बट अभी देखो उन्होंने 4 साल में इतनी मेहनत करी हस्बैंड वाइफ ने कि हस्बैंड जो है बाहर जाते थे, गांव-गांव जाते थे सामान देने के लिए, और वाइफ जो है घर पे दुकान में काम वो करती थी, दुकान रखी थी। अभी उनकी खूब बड़ी दुकान हो गई है, मकान भी बन गया है खुद का, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है। और स्कूटी भी खरीद ली है, भले ही सेकेंड हैंड खरीदी बट खरीद ली है। तो होता है ना कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है सभी का, किसी कभी किसी का जो है बुरा वक्त होता है, कभी किसी का अच्छा वक्त होता है। तो अपने जो है अपने से छोटे को या सामने वाले को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, ना ही अपने धन के ऊपर कभी घमंड करना चाहिए। उसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उनका जो है इतना आजकल इतना अच्छा हो गया। तो बस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा सारा काम हो चुका है, मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, बट थोड़ा थोड़ा ही शूट किया। और लिप्स पे देखो अभी ठीक नहीं हुआ है, मकड़ी वो हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, 4-5 दिन हो गए है ना। सो अभी मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ, थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग कर लूँ। और पतिदेव ले आए हैं लैपटॉप, तो यहाँ पे देखो अदिति चला रही है, एक सेकंड बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो लैपटॉप चला रही हैं और ब्लैंकेट फिर से फैला दी है इन्होंने। सो अभी वो पढ़ाई उसी में करेगी। मेरा मोबाइल फ्री हो गया, बच गया मेरा मोबाइल, मैं वीडियो बना सकती हूँ आराम से। अदरवाइज फिर वो फ़ोन में ही पढ़ाई का करती थी सारा कुछ, तो अब लैपटॉप आ गया तो मेरे मोबाइल की जान बच गई है ना। और यहीं पर मैं टीवी देख रही थी तो मैंने म्यूट कर दिया अभी आप लोगों से बात करने के लिए। और इसके बाद मुझे जाना है बर्तन धोने के लिए, तो फटाफट से बर्तन धो लूँ। खाना वगैरह मेरा शाम का बन चुका है। और लिप्स का ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो जैसे ही ठीक होता है ना तो तुरंत उसमें जो है ब्लड आ जाता है। और भैया भी गए थे बाहर, वो भी आ गए हैं। क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ पढ़ लो थोड़ा सा। काय का पेपर है कल? इंग्लिश का। हाँ तो पढ़ाई कर लो, ठीक है? तो दोनों बच्चे पढ़ाई कर लेंगे और मैं इस वीडियो का एंड कर दूंगी यहीं पे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मन नहीं होता है वीडियो बनाने का। और मकान का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, मीन्स छाप थी जो पूरी हो चुकी है, प्लास्टर जिसको बोलते हैं वो पूरा हो चुका है। अभी टाइल्स लगने हैं, तो देखते हैं जिस दिन टाइल्स देखने जाएंगे तो आप लोगों के साथ ही शेयर करेंगे, मीन्स आप लोगों को भी साथ में लेके चलेंगे। आप लोग बताइएगा कि कौन सी टाइल्स अच्छी लग रही है। खैर जैसे जब तक आप लोगों के पास तो वीडियो आएगा, तो हो सकता है जब तक फाइनल हो जाए एक दो जगह चेक करेंगे जहाँ पे अच्छा लगेगा। वैसे भी हम लोगों ने 2-3 जगह पहले ही चेक कर रखा है, तो मुझे 2 जगह की 2 टाइल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो देखते हैं उन 2 में से अगर दूसरी तीसरी जगह जाएंगे, अगर वहाँ पे कोई अच्छी मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर उन 2 में से कोई फाइनल कर लेंगे। खुरदरी इसलिए नहीं लगवा रहे हैं, वैसे तो खुरदरी भी काफ़ी अच्छी थी, बट उसमें जो है कचरा ज़्यादा जमेगा तो उसको सफाई करने का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा है ना। तो जैसे कि बेड डल जाता है या फिर गोदरेज रख जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, खुरदरी नहीं लगवाएंगे रूम में, सिर्फ जो है अच्छी थोड़ी सी देख के लगवाएंगे। सो जैसे ही हम लोग जाएंगे वैसे आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। वैसे तो ऐसी बातें कोई जो है वो नहीं है बताने के लिए, बट आप लोगों के साथ में डेली लाइफ शेयर करती हूँ, इसलिए ये भी मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ है ना। सो इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो मिलते हैं फिर।